निगोदिया जीव किस गति के जीव हैं और किन जीवों को निगोदिया कहते हैं? इनकी कितनी इंद्रियां होती हैं? अच्छी तरह ध्यान दें, निगोदिया जीव त्रियंच गति के जीव हैं। ये जीव साधारण नाम कर्म के उदय से, आठ कर्मों में एक नाम कर्म है और उस नाम कर्म में भी साधारण नाम कर्म जिसके उदय से एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीवों का समान रूप से जन्म होता है, रहना होता है और मरण होता है। अर्थात अनंतानंत जीव एक ही शरीर में आकर जन्मते हैं, एक साथ रहते हैं और मर जाते हैं। रूप से रहना निगोद कहलाता है, अथवा जीव की एक पर्याय विशेष जिसमें एक श्वास के समय का 18वां भाग पूरा होते ही मरण हो जाता है। ऐसी अवस्था जहां एक श्वास के 18वें भाग में ही जन्म मरण होता रहता है, ऐसी वह अवस्था विशेष है। यह त्रियंच गति के बनस एक इंद्री स्थावरों में वनस्पति काय का एक भेद भी है, जिसे हम साधारण वनस्पति कहते हैं। निगोद के मुख्य रूप से दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। नित्य निगोद जिस जीव ने अनादिकाल से आज तक निगोद के अतिरिक्त अन्य पर्याय प्राप्त नहीं की, वह नित्य निगोद कहलाता है। जो जीव आज तक निगोद से निकलकर बाहर नहीं आया, वह नित्य निगोदिया कहलाता है। दूसरा इतर निगोद, निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर पुनः निगोद में उत्पन्न होना इतर निगोद कहलाता है। कोई जीव निगोद में था और जैसा मैंने आपको बतलाया कि चने के भाड़ में से कोई जीव, जैसे कोई चना गर्म कर रहा हो और उसमें से कोई चना बाहर उछल जाता है, उसी प्रकार पुण्य के योग में, परिणामों की विशुद्धि के योग में कोई जीव उस निगोद से बाहर निकल आता है, तो वह जीव ही वापस फिर अन्य गतियों में घूमता हुआ और फिर से निगोद में चला जाए, उस जीव को इतर निगोद कहते हैं। विशेष बात, यहाँ नित्य निगोद का अर्थ यह नहीं है कि वह जीव हमेशा निगोद में बना रहेगा। यहाँ नित्य निगोद का अर्थ यह है वह आज तक वहाँ से बाहर नहीं निकला, भविष्य में बाहर निकल सकता है। क्योंकि आगम में उल्लेख है कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव उस निगोद से बाहर निकलते हैं। निगोदिया जीव रहते कहाँ हैं? तो निगोदिया जीव सर्वलोक में हैं। ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां भी निगोदिया जीव नहीं रहते। अब कोई प्रश्न पूछेगा कि नित्य निगोदिया जीव बाहर निकलते कैसे हैं, क्योंकि वहां कोई पुण्य आदि कार्य तो भी करते नहीं है। तो उन्होंने दिया कि वह निगोदिया जीव मात्र कषायों की और लेश्याओं की मंदता, लेश्याओं की विशुद्धि जिसे कहते हैं, उसके बल से बाहर निकल जाते हैं। ये एक प्रकार का लकी ड्रॉ जैसा होता है कि जब उनकी परिणामों की संकलेशता या परिणामों की मंदता होती है और उसी समय उनका बाहर निकलना होता है। इस प्रकार यह होकर और अनादि संसार चलता चला जा रहा है। कितने जीव हैं? अनंतानंत, ना कभी समाप्त हुए हैं ना ही कभी समाप्त होंगे। इसलिए चिंता नहीं करना कि अरे मानो सब सिद्ध हो गए तो हम सबका क्या होगा, मानो जीव समाप्त हो गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जितने सिद्ध हो गए हैं
वे कितने हैं अगर कोई प्रश्न पूछे तो आचार्य भगवंत उत्तर देते हैं। मानो एक इमली का पेड़ है, इमली का पेड़ देखा आपने तो उसके पत्ते कितने बड़े होते हैं, इतने छोटे छोटे से, इतना बड़ा पत्ता होता तो उसमें भी छोटे छोटे से पत्ते होते। तो एक इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने तो संसार में जीव हैं, और जितने उस एक पत्ता है इतने जीव अभी सिद्ध हुए हैं। क्या इसलिए अभी चिंता नहीं करना है, बहुत सारे जीव बाकी हैं, उनमें से हम एक बाकी हैं, हमें उसकी चिंता करनी है। ओम नमः।